हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर हम क्लास 6 SST ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 12 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वी रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ द ओनली वन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ नेचुरली। यानी कि आप देख सकते हो ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं उनके कई ज़्यादा मात्रा में प्लैनेट है। जैसे कि जुपिटर का मैंने बताया था 79 उसके प्लैनेट है, बट हमारे अर्थ का ओनली वन नेचुरल प्लैनेट जो है वो है द मून। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ द 384,400 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द अर्थ। यानी कि यह हमारी पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड इट हैज़ नो एटमोसफियर, मीन्स देर आर नो लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मतलब यहाँ पर जीवन का कोई साधन नहीं है, ना तो यहाँ पर हवा है, ना ही कोई पानी है। तो इस कारण से, और सबसे मेन रीज़न, यहाँ पर एटमोसफियर नहीं है। एटमोसफियर, वायुमंडल नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा, तो इसका मीन्स यही हुआ कि यहाँ पर जीवन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड टेक 28 डेज। यानी कि जो मून है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन करता है, और इसके लिए वो 28 डेज का टाइम लेता है। 28 डेज के टाइम की वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर फेस ऑफ मून, आपको मैं बताऊंगा कि इस रिवोल्यूशन की वजह से, कि जो मून है हमारी पृथ्वी का रिवोल्यूशन करता है, उसका इफ़ेक्ट हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या पड़ता है। आपने नाइट में देखा होगा कि आज जैसे कि पूरा चांद नजर आ रहा है, बट 14 दिन बाद आप देखोगे आपको वो चांद नज़र नहीं आएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न है फेस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा की कलाई, जिसको आप कह सकते हैं। और इसके टू पार्ट्स है, वैक्सिंग एंड वेनिंग। वैक्सिंग का मतलब ये होता है कि जब चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है तो वो टाइम जो कहलाता है वो वैक्सिंग कहलाता है। और जब चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है, जिसके वो आप कह सकते हो अमावस की रात, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पृथ्वी के ऊपर रात के समय में चंद्रमा दिखाई देता है और 15 दिन बाद नहीं दिखाई देता है, और दिखाई देता है तो भी उसका आकार जो होता है वो धीरे धीरे डे बाई डेज बढ़ता या घटता रहता है, ठीक है, जिसे आप चंद्र की कला या फेस ऑफ मून भी कह सकते हैं। तो वैक्सिंग और वेनिंग इसके टू पार्ट्स है, जिसको आप सामान्य भाषा में, बोलचाल के लैंग्वेज में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी कह सकते हैं। यानी कि हर 14 दिन बाद अमावस होती है, और हर 14 दिन बाद, अमावस के 14 दिन बाद पूर्णिमा होती है। यानी पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा चांद दिखाई देना, और अमावस का मतलब होता है चांद का दिखाई नहीं देता। और इसके बीच में जो चंद्रमा अपनी साइज को कम ज़्यादा करता रहता है, वही वैक्सिंग और वेनिंग के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम के अंतर्गत द मून के बारे में जाना। नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स आते हैं सोलर सिस्टम के, यहाँ पर देख सकते हैं एस्ट्रॉइड, जिसे मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन, इसका ट्रांसलेशन भी लिखा है, शुद्र ग्रह जिसको हम कह सकते हैं। तो एस्ट्रॉइड वे पार्ट्स होते हैं जो कि प्लेनेट और सैटेलाइट के अलावा अदर जो बॉडीज होती है सोलर सिस्टम के अंदर, और वो सूर्य के चारों ओर अराउंड करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो एस्ट्रॉइड कहलाते हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह या छोटे प्लेनेट, स्मॉल प्लेनेट के रूप में भी कहा जा सकता है। दे मूव अराउंड द सन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और कैरी इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, केरीज नाम का एक एस्ट्रॉइड है जो कि सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड माना जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, मेट्रॉइड। मेट्रॉइड जिसे आप शाइनिंग स्टार के रूप में भी जान सकते हैं, और इसको हिंदी में हम धूमकेतु के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे द सोर्स ऑफ इज अननोन, इसका जो सोर्स है वो अननोन है। अननोन का मीन्स होता है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए, इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में, द टेल स्टार। टेल स्टार का मतलब होता है पूंछ वाले तारे, जिसे आप सामान्य लैंग्वेज में पुच्छल तारा भी कह सकते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर साल हमारे सौरमंडल में या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 5 नए पुच्छल तारे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पुच्छल तारे जो होते हैं वो कई छोटे छोटे क्रिस्टल पार्ट्स होते हैं या क्रिस्टल बॉडीज जो होती है वो अपने कक्ष से या अपनी जगह से भटककर इधर से उधर चले जाते हैं, और जब वो किसी दूरी पर जाते हैं या किसी प्लेनेट के पास जाते हैं तो उस प्लेनेट की जो ग्रेविटी होती है वो उसे अपनी तरफ खींचती है। तो जिस रीजन से ये हमें ऐसा लगता है जैसे ये टूटते हुए तारे हो। उसके बाद फिर इसमें आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ कॉमेट आर वेरी फेंट, बहुत सारे जो कॉमेट है वो धुंधले दिखाई देते हैं, यानी कि हमारे सामान्य आंखों से या सामान्य नज़रों से वो हमें दिखाई नहीं देते और एकदम से पास आकर निकल जाते हैं, ऐसे पता नहीं चलता। और सबसे ब्राइटेस्ट कॉमेट जो है वो हेली होता है, हेली जो कि हर 76 ईयर्स में हमारे पृथ्वी के पास में से गुजरता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सोलर सिस्टम के अंदर विभिन्न इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।